हमारा कोई चीज नहीं आती है तो उसको व्हाट्सएप में आप भेजिए और मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और जो ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो कॉल कर, कॉल के पास आता कॉल करके पूछ सकता हूँ उसे, मैं बता दूंगा। अब थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने कहा था पहले क्या है क्लास, फिर क्या हो गए फ्रीक्वेंसी, फिर क्या हो गए एक्स, फिर क्या हो गए डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर क्या हो गए एफ डी माइनस या एक वापस क्या है। अब क्लास क्या है, इलेवन थर्टीन थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सेवनटीन सेवनटीन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव, ये बात। अभी क्या है सेवन सिक्स नाइन है, सेवन है सिक्स है नाइन, थर्टीन है थर्टीन है फाइव और टू। अब ये क्या है एक्स, मैंने कहा था इसको यह क्या था फोर फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर, यह आ गया। अब क्या गया, अब मैंने कहा था इसको ए मान पहले बार बोले तो क्या क्या ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इसको क्या क्या जीरो और फोर्टीन माइनस ट्वेल्व इसको क्या क्या टू सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इसको क्या क्या टू पर टू की जी भी कॉल नहीं जाओगे आप इसमें टू का डिफरेंस आ रहा है तो एक एटीन माइनस ट्वेल्व इसको क्या क्या सिक्स एटीन ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व इसको क्या क्या एट और ट्वेंटी टू माइनस ट्वेल्विस पर क्या आएगा टेन और ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्विस पर क्या आएगा ट्वेल्व, या अब यह एटीट्यूड की अब क्या है सेवन इंटू जीरो इस पर क्या आएगा जीरो, फिर क्या क्या सिक्स इंटू टू इस पर क्या आएगा ट्वेल्व, फिर क्या आएगा नाइन इंटू फोर नाइन फोर क्या आएगा थर्टी सिक्स, फिर क्या आएगा थर्टीन इंटू सिक्स सेवेंटी एट, फिर क्या आएगा एट इंटू एट, ये ध्यान देना है तो क्या एक बार से हो गए एट एट आ रहे हैं और ये क्या आएगा फाइव इंटू टेन क्या आएगा फिफ्टीन और फोर इंटू ट्वेल्व तो क्या आएगा फोर्टी एट। अब यहाँ पर हो सिग्मा एफ आई डी आई तो इनको ऐड कर दोगे एट एट सिक्सटीन और सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टू सिक्स इलेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 टू प्लस एट है और ये क्या है आपका एफ इसको सीमा एफ आई इसको क्या गया पाँच आठ नौ तेरह नौ बाईस बाईस नौ इकतीस फोर्टी फोर और प्लस है ये ऐड नहीं होगा ध्यान में आया ये प्लस साइन कर दिया वहाँ ऐड नहीं होते ध्यान नहीं ये कह लिया आप। अब इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद ये करना है फॉर्मूला लगाना है मीन इस पर क्या होता है मीन इस पर टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में मीन कितना दे रखा है एटीन, सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चन में एफ मीन जो दिया गया तो एटीन इस पर टू ए क्या है ट्वेल्व प्लस ये क्या है टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर प्लस एट है अपॉन फोर्टी फोर प्लस एफ। अब आपको मालूम है क्या है अब आपको मालूम ट्वेल्व कैसा इधर आएगा एटीन माइनस वन इस पर क्या गया टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर प्लस एट है अपॉन फोर्टी फोर प्लस एफ तो क्या गया सिक्स इस पर टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर प्लस एट है अपॉन फोर्टी फोर
प्लस एफ आई, ये आपको ध्यान देना। अब आपको ये मालूम है, इसके बाद ये डिवाइडेड बाय सिक्स एम टू, ये 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 224 प्लस एट है, तो यह 24 26 प्लस 6 है, इस पर आएगा 224 प्लस 8 है, तब इधर आएगा 264 माइनस 224 इस पर 8 है माइनस 6 है, तो बोलो हो गया 0, 6 में हो गया 4, इस पर क्या आएगा 2 है, और f इस पर क्या आएगा 40 अपॉन 2 इस पर 20, तो इस टाइप का पता है, इससे निकालो तो ऐसे निकालते, ये इसका आंसर से निकलता है, ऐसे करना आपको देना है, कभी ऐड नहीं होते तो प्लस का साइन लगता है, और x y a a x y a y टाइप का आपको सारे पता है, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट वाला बात करते हैं, पॉइंट वाला कल वाला वाला बोर्ड पर होता है ना, आज करते हैं आपको पॉइंट वाला, आपका पॉइंट आप पहले लाते हैं, आज एक लाते हैं पर 50% होगा नहीं ना, 50% लाते हैं, 50% क्लास, और ये क्या आएगा है, ये क्या आएगा x, ये क्या आएगा b माइनस b इक्वल टू x माइनस a, और ये क्या आएगा f इक्वल टू b, क्या क्या आएगा, अब क्या है 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 और 62, 64 ये अभी क्या है, इसमें क्या बात है, यह 10, यह 110 और यह 135, यह 115, यह 25। अब आपको ये देखना है, सबसे पहले देखो ये 52 अभी ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ कंटिन्यूअस रखने के लिए आते हैं, इसकी अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो क्या करा 53 में से 52 माइनस किया तो क्या बता 1, ये पहले ध्यान में, इसके आप जब भी कंटिन्यूअस नहीं है मतलब जो ये यहाँ लिए नहीं यहाँ क्या लगा है, तो इसको करते हैं माइनस करते हैं, माइनस को उससे डिवाइड करते हैं 0.5 आए, ये ध्यान रखना है, पहले इसके आप लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, माइनस करके तो आप उससे डिवाइड करते हैं, अब फर्स्ट वाले में इसको क्या करते हैं सबट्रैक्ट, फर्स्ट वाले में क्या करते हैं सबट्रैक्ट, तो 50 में से 0.5 ऐसे करते क्या आ गए 4.495 आ जाएगा, और सब में सब माइनस करते हैं और इस पर ऐड करते हैं 5, तो पहले वाले को करना और उसे करना पहले वाले माइनस करना इसमें ऐड कर देना, अब यहाँ मानोगे यहाँ इसको लिखोगे, ये लिखोगे इसको यहाँ लिखोगे 52.5, ये 50.5 है इसको 55.5 और 58.5, अब ये 58.5 और इस 60 ये, तो क्या आ गया 61.5, 64.5 आ गया, ये क्लास का कंटिन्यूअस बन गया हमारा। अब x इस पर क्या मानोगे, इन दो का ऐड करें, देखो पहले 52.5 और 49.5, तो क्या आएगा 5 5 0 टू नाइनटी, क्या गया 9 to 11, अच्छा 12 9 10 102 आ गया, 102 आता क्या होता है 102 आता 51 आ गया, क्या गया 51, तभी तो आप सबट्रैक्ट कर देते हैं 52.5 से 49.5, तो ये 0 आ गया, 109 गया 3 बचा, तो 3 का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस इसमें क्या पहले जो आपसे माइनस हो तो 3 का डिफरेंस आ
आगे क्वेश्चन 54, 57, 59 और 61 आगे, तो इनका कोई पॉइंट आए अब भी अमेरिका बारे सुनिए बाबू, तो 51 तो आगे तो 3 आगे तो 60 आगे और ये 63 आगे ये कहने वाला। अब ये क्या गया 54 माइनस 51 तो कितना आ गया 3, तो 57 माइनस 51 इसका क्या आ गया 6 और 50 प्लस 60 माइनस 51 इसका क्या आ गया 9 प्लस 3 टेबल आएगा क्या 0 आएगा तो 63 माइनस 51 इसका क्या आ गया 12। अब ये बताएं एक्शन टू थ्री, अब ये क्या आ गया 15 इनटू 0 इसका क्या आ गया 0 110 इनटू 3 क्या आ गया 11 3 33 3 30 फिर क्या गया 135 इनटू 6 तो 6 5 30 6 3 18 21 6 6 2 8 फिर क्या गया 115 इनटू 9 तो क्या गया 9 5 45 9 9 और 4 13 9 9 110 अभी क्या गया 25 इंटू 12 12 5 6 24 24 30 तो ये करना है कैसे करना है तब आप आपके सिग्मा एफ डी एफ आई डी है तो ये ऐड करोगे ये 5 आ गया 314 और 37 आ गया 383 11 14 और ये 2 8 और ये सिग्मा एफ आई डी ठीक है 5 5 10 5 15 5 20 दो दो चार एक 5 3 8 9 और एक 10 एक एक 2 और एक 3 और एक 4 ये 400 आए तो ये आपको मालूम है। तब आप इसके बाद इसको करोगे क्या करोगे तब पढ़ोगे कैसे करोगे ये देखो मीन इस पर टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ तो मेन ए कितना आएगा आपका 51 प्लस 2475 अपॉन 400 तो क्या आ गया आप पहले ये कर दो 51 कर दो इसको प्लस 2475 अपॉन 4 × 100 ये 400 होता है वैसे इजी क्वेश्चन होता है ये आपको पहले सीखना है तो ये क्या आ गया 51 आ गया प्लस अपोजिट है 4 × 24 4 × 4 ये आ गया 3 × 4 = 32 3 आ गया 4 × 7 = 24 5 अपॉन ये आ गया 100 अब ये आ गया 51 प्लस अभी 1 से डिवाइड करूंगे ये आएगा 6 1 8 7 5 आ गया दो तो पॉइंट में यहाँ ही 2 0 आ गया यहाँ पर आ जाएगा तो लास्ट में क्या रहेगा 57.1875 तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा।